सुरंगा पंचायत के रैयतों ने अपनी जमीन पर बीसीसीएल के द्वारा ओवी डंप होने के कारण परेशान दिख रहे हैं, काफी परेशान दिख रहे हैं, क्योंकि आज प्रबंधन की आनाकानी के कारण आज 11 दिनों से साउथ तीसरा वर्कशॉप के गेट पर नियोजन व मुआवजे को लेकर अनिश्चितकाल के लिए धरने पर बैठे हैं। वहीं प्रबंधन की ओर से कई बार रैयतों के साथ वार्ता हुई, लेकिन वार्ता विफल हो गई और आज आस्था का महापर्व मनाने के दिन भी रैयतों का धरना जारी है, लेकिन न ही उच्च प्रबंधन की ओर से कोई वार्ता हो रही है और न ही लोधना प्रबंधन की ओर से कोई सकारात्मक वार्ता हो पा रही है, जिसके कारण बीसीसीएल प्रबंधन को प्रतिदिन काफी नुकसान हो रहा है और आम जनता पानी के लिए आस्था जैसे पर्व में परेशान हो रहे हैं। आंदोलन जारी रहेगा। अभी इस ओबी डंप से गांव तो प्रभावित है ही, यहाँ पर सीओ आए, बीडीओ आए, बड़े बड़े अधिकारी आ रहा, स्टेट डिपार्टमेंट के जीएम आए, तो उनसे क्या वार्ता हुआ? उनसे यही वार्ता हुआ, एक आश्वासन दिया कि मैं ऊपर में जाके बात करता हूँ, उसके बाद आश्वासन ही रह गया। सीओ और सीओ भी आज आए थे और उन्होंने स्वयं जीएम को जो है फोन करके बोला कि भाई आइए, हम आए हैं, जमीन का विवाद है। और जो है सीओ जीएम को महाप्रबंधक को फोन करके बुलाया गया, लेकिन महाप्रबंधक नहीं आए और जो है वो किसी प्रकार का पहल नहीं की गई। तो ये आंदोलन कब तक जारी रहेगा? जब तक हमारी जो है, हम तो कह रहे हैं कि भाई हमारी किसानों का डंप का सवाल है। आप रोज जो है डंप को डेली जो है कम से कम आप 2 बीघा 1 बीघा जो है ढक रहे हैं, तो जमीन तो आस्ते आस्ते करके जो है हमारा जमीन को आप ढक रहे हैं, वो जब तक बंद नहीं होगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। और क्या क्या मांग था गांव का? गांव का विकास का था, बिजली, पानी, सड़क और सामुदायिक भवन, ये सब तमाम चीज है, तो वो बाद की बात है। उन्होंने बहुत पहले भी ये सब बात की, हम लोग इससे पहले भी बहुत सारी बात को उन्होंने कहा। अपना परिचय दे दो। भोजोहरी मातो भाकपा माले झरिया बलियापुर। मुद्दा है जो लगातार आप लोग आंदोलन पर बैठे हुए है 11 दिनों से। हम लोग आज हमारा उम्र 30 साल हो गया, तो जब से ज्ञान हुआ हम सुरंगा में बीसीसीएल के विरोध में लगातार रेत के हक अधिकार के लिए ग्रामीण के द्वारा हमेशा लड़ा गया है, आश्वासन मिला गया है, लेकिन अभी तक 30 साल आंदोलन का नींव रहने के बावजूद भी कभी इन लोगों को हक और अधिकार नहीं मिला, सिर्फ आश्वासन के अलावा और कुछ नहीं दिया गया है मैनेजमेंट के तरफ से। लगातार जो है महाप्रबंधक आप लोग से वार्ता में जुड़े हुए हैं, वो क्या बोले? मैनेजमेंट हम लोगों को एक जो हमारे गांव के लोग हैं कि भोले वाले जनता है, इन लोग सोच रहे हैं कि जो पिछले 30 साल से हम इन लोगों को बेवकूफ बना के आ रहे हैं, वही बेवकूफ फिर हम अभी भी इन लोगों को बना के घर की ओर भेज देंगे। लेकिन अगर वो सोचते हैं मैनेजमेंट, तो उनका सोचना सरासर गलत है, क्योंकि ये जनता जो है सब आप घर के लोग हर एक सदस्य पढ़े लिखे हैं और सब सर्व शिक्षा अभियान से जुड़ा हुआ है, सब शिक्षित है और यही के शिक्षित बाबा साहेब का देन है जो SC ST के लोग आज बढ़ चढ़ कर ऊपर आए हैं और लड़ाई को लेकर मजबूती और नींव खड़ा कर रहे हैं। कब तक आंदोलन जारी है? ये अनिश्चितकालीन का था हम लोगों का आंदोलन है, जब तक मैनेजमेंट हम लोगों के आगे झुकेंगे नहीं, हर योजना, हर समाधान और जो हमारे रेत की समस्या है उस पर अगर यदि अमल नहीं करेंगे तब तक आंदोलन में हम लोग अड़े रहेंगे। अपना परिचय दे दें। मैं विजय कुमार रजक सुरंगा पंचायत का और प्रमुख प्रतिनिधि हूँ। झारखंड का नंबर 1 टैटू आर्टिस्ट सुमित टैटू आर्टिस्ट नियत बिहारी लाल चौधरी, हरी मंदिर रोड, हीरापुर, धनबाद। नए जमाने के लेटेस्ट टैटू बनवाएं और सबों के दिलों में छा जाएं, या पुराने टैटू रिमूव करवाएं और डिफेंस बहाली की अड़चनों को दूर करवाएं। पूजा स्पेशल ऑफर 50% डिस्काउंट का लाभ उठाएं। तो आज ही कॉल करें 7050005998 पर